नमस्कार, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में साक्षर क्यों। इसका जवाब आप खुद ही दीजिएगा, क्योंकि कुछ कड़ियां इस कार्यक्रम की आप देख चुके हैं और आप जवाब जानते हैं कि देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए अगर एक चीज है बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी, तो वो है पढ़ाई लिखाई, साक्षरता। क्या आप ये जानते हैं कि हमारा देश भारत जब आजाद हुआ सन 1947 में, तो उस समय साक्षरता केवल 14% थी हमारे देश में। आज लोगों ने अनुमान लगाया है, सरकार ने अनुमान लगाया है कि 62%, 63%, 64%, 65% तक साक्षरता पहुंच चुकी है। यानी हर 3 भारतवासियों में से 2 ऐसे हैं जो साक्षर हैं। और काफी हद तक श्रेय इस बात का, इस शानदार कामयाबी का, इस खूबसूरत सफलता का मिलता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन को, जिसकी टारगेट ऑडियंस समाज का वो वर्ग है जिनकी उम्र 15 से लेकर 35 वर्ष की है। और इस वर्ग ने यह साबित कर दिया है कि जानकारी हासिल करने की जो प्यास है, पढ़ने लिखने की जो भूख है, वो भारत में किसी और देश की अपेक्षा कम नहीं है। और जब हम चाहें तो हम सारे दुनिया से आगे हो सकते हैं साक्षरता के क्षेत्र में। तो हम शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन को, और उनसे यही अनुरोध करते हैं कि बस बरकरार रखिए, कायम रखिए शानदार सफलता को, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष हमारे देश में साक्षरता 2% बढ़ती जा रही है और 2005 तक भारत में साक्षरता 75% तक पहुंच जाएगी, जिसे हम कहते हैं लगभग टोटल लिटरेसी, टोटल सस्टेनेबल लिटरेसी। वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया में सर ऊंचा कर कहेगा कि किसी भी भारतवासी से पूछ लीजिए, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है। हमारी टीमें यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस खेल में, इस प्रतियोगिता में, इस मुलाकात में। टीमें हमारी 2 हैं, जैसा आप जानते हैं, गंगा और जमुना। दोनों टीमों को इतना बता देते हैं, और उन लोगों को जो पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं दूरदर्शन पर, कि अगर मेरे प्रश्न का किसी भी टीम ने सही उत्तर दिया तो ये आवाज सुनेंगे, और अगर आपका जवाब सही नहीं है तो आप ये शानदार धुन सुनेंगे। कितनी खूबसूरत धुन है, इसका मतलब है कि आपका जवाब जो है वो गलत है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक, हर गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे 0 अंक। और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमारे सामने एक घड़ा रखा हुआ है, एक मटका रखा है, जिसके अंदर ढेर सारे प्रश्न और हैं। जिस टीम के अंक कम होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा कि डबल जैकपॉट खेलें, और उसके जरिए वो अपना स्कोर दुगना कर सकते हैं, यानी वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, अव्वल दर्जे पर आ सकते हैं, नंबर 1 हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। आपका नाम है डॉक्टर सफाया, और डॉक्टर सफाया साहब एक ईयर नोज थ्रोट ENT के खास स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफाया साहब कि आप हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल सफाया, हम इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप संबंध रखते हैं देश की राजधानी के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अस्पताल से, सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो वहां पर जिन पेशेंट से आप डील करते हैं, जिनके साथ आपका पाला पड़ता है, समाज के किस वर्ग से आते हैं? जनरली ग्रामीण क्षेत्र के मरीज हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं, और क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर किसी इलाज का कोई भी शुल्क नहीं लगता, तो हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं वो जनरली निम्न वर्ग के ही लोग होते हैं, और हमारा इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। और मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर साक्षरता का लेवल बढ़ जाए, तो जागरूकता अगर इस क्षेत्र में आ जाएगी, तो हमारा देश काफ़ी उन्नति कर सकता है और काफ़ी बीमारियों को हम टैकल भी कर सकते हैं उसी लेवल। जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे आपकी राय मांगते हैं, तो जो लोग साक्षर हैं उनकी अपेक्षा जो लोग निराक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे बातचीत करने में या उनको समझाने में आपको कठिनाई होती है? जी जरूर, बहुत कठिनाई होती है। काफ़ी देर तक उनको समझाना पड़ता है कि किस तरह की उनको बीमारी है और किस तरह से दवाई उनको लेनी चाहिए, किस तरह से उनको अपना इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले साल कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है, और मैं आपको ये बताता हूँ रुपए की कीमत लेते हुए,
कि जो दक्षिण एशिया है जहां पर हम लोग स्थित हैं, जहां पर भारत स्थित है, वहां पर प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी सरकार का खर्च होता है 3,000 रुपए। जो पूरे विकासशील देश हैं, अगर उनको मिलाया जाए तो प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष सरकार का उसके देश का खर्च होता है 9,000 रुपए। और अगर विकसित देश लिए जाए तो वहां पर प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी का खर्च होता है 2,500,000 रुपए। इसका मतलब है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि विकास का एक ही तरीका है और उस तरीका का नाम है साक्षरता। साक्षरता। अब देखिए हमारी दोनों टीमें यहां पर मौजूद हैं, गंगा और जमुना, और आप लोग अगर तैयार हैं तो पहला प्रश्न हम गंगा टीम से पूछेंगे। लेकिन आप लोग इतने सीरियस मत होइएगा, जरा मुस्कुराइएगा, जरा आराम से बैठिएगा, अपना परिचय हमें सबसे पहले दीजिएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं मुरादाबाद से आया हूँ। विक्रम सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं माली हूँ। माली हैं आप? बहुत खुशी आपसे मिलकर। आप तो चमन की देखभाल करते हैं और आपके बिना तो फूल नहीं उभरेंगे बाग में। बहुत खूब। और आपके साथी कौन है? मेरा नाम सुबोध है, मैं मानसा पार्क से आया हूँ। और कहाँ तक पढ़े हैं सुबोध जी आप? जी दूसरे तक। उसके बाद छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ा? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी घर में, उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। और अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए आज तो आप क्या करेंगे? तो जरूर पढ़ना चाहूंगा सर। पढ़ना चाहते हैं? आप ये मानते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। आप तो अभी विवाहित नहीं है, बहुत नौजवान है। जब आप अपना विवाह करेंगे, आपकी संतान होगी, तो अपने बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा क्या देंगे? मैं उन्हें सबसे अच्छी तालीम दिलाना चाहूंगा। बहुत खूब, सबसे अच्छी तालीम दिलाना चाहेंगे अपने बच्चों को। दूसरी हमारी टीम है जमुना, और अपना परिचय खुद दीजिएगा। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। बहुत खूब। और क्या करते हैं राजेंद्र जी? मैं एक्सपोर्ट में काम कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर? हाँ जी। खुश हैं आप वहाँ पर? हाँ जी वहाँ पर। कहाँ तक पढ़े हैं आप? पांचवी तक पढ़े हैं। क्यों छोड़ा फिर आपने? पहले ऐसे दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई छोड़ दिया था, खेलकूद में। खेलकूद में पढ़ाई छोड़ दी। और आज आपको कैसा लगता है, आपने सही किया या गलत किया? गलत किया हूँ बहुत। आपके साथी कौन है? मेरा नाम नरेश है। नरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं न्यू संजयमर कॉलोनी। अच्छा, आप देश की राजधानी के रहने वाले हैं और क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? छठी क्लास। क्यों छोड़ दिया आप? घर की परेशानी की वजह से। और आप क्या चाहते हैं जब आपके अपने बच्चे हों, वो क्या करें? सर उन्हें अच्छी तालीम दिलाना चाहेंगे। क्यों जी? मैं नहीं कुछ कर सका तो शायद वो लोग कुछ कर पाए। बहुत खूब। टीम गंगा, आप लोग तैयार हैं? और मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। ये रहा आपके लिए हमारा पहला प्रश्न। ये बताइए, आमतौर पर सप्ताह में कौन से दिन फिल्म सिनेमा हॉल में बदली जाती है? अब आपके पास चार चॉइस हैं, शुक्रवार को, बुधवार को, सोमवार को, या फिर रविवार इतवार को। शुक्रवार है। और आप क्या बोले? 10 अंक हो चुके हैं हमारी टीम गंगा के। बारी है हमारी टीम यमुना के। यमुना, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का कार्यकाल कितने समय का होता है? 10 साल, 3 साल, 7 साल या फिर 5 साल? 10 साल, 3 साल, 7 साल या 5 साल? बताइए। 5 साल। इन्होंने कहा 5 साल और आप बोले? जरा जोर से ताली बजाइए, बहुत अच्छा लगता है। गंगा, बारी आपकी है और आप हमें यह बताइए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर या लद्दाख? बताइए। श्रीनगर। श्रीनगर। आपने कहा श्रीनगर और वो बोले? बहुत खूब। और अब बारी है टीम जमुना की। जमुना, आप लोग तैयार हैं? तो ये रहा आपका प्रश्न। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि कहां स्थित है? शांतिवन, राजघाट, विजयघाट या फिर शक्ति स्थल? अब ध्यान से सोचिए। शांतिवन। आपने कहा शांतिवन और वो बोले? गलत हो गया।
हमारी बहन एक वहां बैठी है, मुस्कुरा रही है, बोला जी ये तो मुझे मालूम है। अब आप हमें बताइएगा कि देश के जिन्हें हम इस महान व्यक्ति जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट पर है, विजय घाट पर है, या शक्ति स्थल पर है? राजघाट। राजघाट पर है। आपने कहा राजघाट और वो बोले बहुत खूब। ये प्रश्न है हमारा गंगा टीम के, जिसका स्कोर इस समय 20 अंक है, जबकि हमारी जो दूसरी टीम है उसका स्कोर केवल 10 अंक है। प्रश्न ये है, चितरंजन कारखाना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समुद्री जहाज, इंजन, हवाई जहाज, या फिर रॉकेट? आप सोच लीजिए बड़े ध्यान से, बताइए हमें क्या विचार है। हवाई जहाज। हवाई जहाज। इन्होंने कहा हवाई जहाज, और हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं देखते हैं। ये मौका किसी को दिया जाए, और वो जो एक बहन हमारी वहां बैठी है, छोटी सी बच्ची है। अब ये बताइए कि चितरंजन कारखाने में किस चीज का उत्पादन होता है? इन्होंने कहा हवाई जहाज, जो गलत है। ये बताइए समुद्री जहाज, इंजन, या रॉकेट? समुद्री जहाज। आपने कहा समुद्री जहाज, और विशेषज्ञ बोले, अब देखिए ये भी गलत कह चुके हैं। अब केवल आपके पास दो बचे हैं, इंजन या रॉकेट। ये भाई साहब जो आगे बैठे हैं सफेद कुर्ते में, इंजन। आपने कहा कि इंजन बनाए जाते हैं, और अब हमें अपने विशेषज्ञों से पूछना पड़ेगा, आप लोग क्या बोले? हमारा अगला प्रश्न आपके लिए, यमुना, ग्रामीण इलाके में इनमें से किसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है? अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ग्रामीण इलाके में, इनमें से किसको? छोटे गैस संयंत्र, पवन चक्की, छोटे न्यूक्लियर संयंत्र, या बायोगैस संयंत्र? अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुत हद तक कोशिश की जा रही है कि उसका प्रयोग किया जाए? सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है? बायोगैस संयंत्र कह दीजिएगा, मेरी बात मानिए तो, वो आपकी मर्जी है, बाकी जल्दी करिएगा, समय की बहुत कम है। मान लिया, अगर फिर से गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत दिलेर लोग हैं, बोले कोई बात नहीं। और आप क्या बोले? अगला हमारा प्रश्न हमारी टीम गंगा के लिए है। अब आपको एक फिल्मी धुन हम सुना रहे हैं, आपको पहचानना है और बताना है कि इस धुन के बोल क्या है। सुनिएगा, जी पुकारता चला हूं मैं। पुकारता चला हूं मैं, अच्छी बात है, आपने कहा पुकारता चला मैं, और आप लोग क्या बोले? बहुत खूब, सही फरमाया आपने। और अब बारी है हमारी टीम यमुना की, एक धुन आपके लिए भी हम बजा रहे हैं, इस धुन को सुनिए और बताइए कि इसके बोल क्या है। अब बोली 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 बोली, प्यार हुआ इकरार, बोली जोर से बोलिए, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, और क्या हुआ आगे बताइए ना, प्यार, बस प्यार और इकरार ही हुआ, प्यार से फिर डरता, प्यार से फिर डरता है क्यों? अच्छा क्या बात है, अब आप लोग बताइए क्या ये सही है? ये आप सवाल का जवाब दे रहे थे या सच्चाई बता रहे थे हमें? प्यार और प्यार इतना डर डर के बोल रहे थे। देखिए, और प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, नाक के, कान के और गले के। अक्सर हमने ये देखा है कि कान का जो डैमेज हो जाता है, जो हानि होती है कान की, वो कई बार अवॉइड की जा सकती है, कुछ इस तरह से हो जाती है लोगों को मालूम नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके अनुभव में क्या कारण है कि बच्चों की सुनाई जो है वो चली जाती है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि हमारी जो बहनें हैं गाँव में, जब भी वो बच्चे के कान में दर्द होता है या कुछ होता है, वो जो भी घर में ज़्यादातर आमतौर पर जो तेल होता है वो गर्म करके उनके कान में डाल देती है। हम लोगों ने जो रिसर्च किया था ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा कारण कान बहने का यही था कि वो लोग जो भी कान तेल होता था उसको गर्म करके बच्चों के कान में डालते थे। दूसरा बड़ा कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के कान के बहाव का है,
वो है गंदे तालाब में या गंदे पानी में नहाना, और वो सारे कीटाणु जो पानी में होते हैं वो कान के अंदर चले जाते हैं और फिर पर्दे को काट के वो वहाँ से मवाद आना शुरू हो जाता है। तो ये दो बेसिक रीजन्स गाँव के क्षेत्र में हमने पाए। उसके अलावा जो बाकी आते हैं कि वो कनमेलिया होता है, हर एक गाँव में वो बाहर बैठा होता है और वो हर एक को कहता है आओ मैं तुम्हारे कान साफ करूं, वो सबसे बड़ा कारण वो पाया गया। फिर तीली बिना कोई रुई अच्छी साफ लगाए लोग अपना कान साफ करते हैं। तो ज़्यादातर डैमेज जो कान होते हैं और जो ज़्यादातर कान की बीमारियां होती है वो इस कारण से वहाँ पाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली तो मेरी राय यही रहेगी कि इन चीज़ों को जो मैंने कही इनको जाने, क्योंकि अगर आप साक्षर हैं तो आप इन चीज़ों को आराम से जान सकते हैं। हमारे अखबारों में दूरदर्शन में आमतौर पर ये बताया जाता है कि कान की ऐसे देखभाल करी जाए और नाक की इस तरह से देखभाल की जाए। अब जैसे नाक की एलर्जी है जो एक सबसे बड़ा कारण है एडल्ट्स में, जैसे मैंने बताया नाक की शिकायत, अगर आप अपने हल को जोत रहे हैं या अपने कटाई कर रहे हैं फसल की कटाई कर रहे हैं, अगर आप एक सिंपल नाक के ऊपर एक कपड़ा लपेट लें तो आपकी एलर्जी जो है कम से कम 40 से 50% कम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर जान लें तो काफ़ी हद तक हम ग्रामीण लेवल पे इन बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। बहुत खूब। और आप ये समझते हैं, आपका विश्वास ये है कि साक्षरता जैसे बढ़ती जाएगी ये बीमारियां घट जरूर जाएंगी। बिल्कुल, बहुत खूब। और शायद आप ये भी जानते हो कि हमारे देश भारत में जब हम कहते हैं कि 60 या 65% साक्षरता हो चुकी है, 80% से ज़्यादा साक्षरता है शहरी इलाकों में और 50% से कम है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र पर ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कॉन्सेंट्रेट कर रही है, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि वो भी साक्षर बने और अपना सही स्थान ले सकें उस महान समाज में जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न टीम गंगा के लिए, ऊर्जा के कौन से संसाधन हैं जो कि पहाड़ी और ज्यादा वर्षा वाले इलाकों में उपयोग में लाए जा सकते हैं? छोटे बांध, कृत्रिम ऊर्जा संयंत्र, बैटरी से बिजली, या फिर इनमें से कोई नहीं? छोटे बांध। तो आप क्या कह रहे हैं, जरा जोर से ताली बजाइएगा। स्कोर हो चुका है गंगा का 40, यमुना के हैं 30, और अब बारी है हमारी टीम यमुना की। कुल्लू और कांगड़ा यमुना किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल? जम्मू और कश्मीर। क्या ये सही है, जम्मू और कश्मीर? अब देखते हैं यहाँ पर कौन बताना चाहती है। बहन आप बताना चाहती है, आप जरा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी क्या करती हैं आप? मुझे घर का ही काम करती हूं। गृहिणी हैं आप? हाँ जी। कितनी संतान है आपकी? 4 लड़कियां हैं। बहुत खूब। पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, सब टीचर लगी हुई हैं। क्या बात है, सब टीचर लगी हैं। और आप खुद कितनी पढ़ी हैं? 12वीं तक। और उसके बाद आपने सबको बीए एमए करा दिया है? हाँ जी, एमए बीएड हैं, कुछ बीए हैं। बहुत खूब। आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमें बताइए कि कुल्लू और कांगड़ा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। आपको यकीन है? सोच लीजिएगा कि आपको पुरस्कार मिलेगा अगर सही है, गलत है तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। इरादा बदलना चाहती है कि अटल है इरादा आपका? नहीं जी, बस यही है और कुछ नहीं है। और आप क्या बोले? बहुत खूब बहन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये रहा आपका अगला प्रश्न गंगा, और आप लोग इस समय 40 अंक पर 10 अंक से आगे हैं, एक ही सवाल से आगे हैं। लीप वर्ष के दौरान फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष तो आप जानते हैं जो हर 4 साल बाद आता है। हमें बताइए, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं फरवरी के महीने में? मेरी राय चाहिए, पूछ लीजिएगा। गंगा ये प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से बताइए। 28 दिन। मेरी बात मानिए तो 29 कह दीजिए। 28 है, यानी लीप ईयर के दौरान फरवरी में 28 दिन होते हैं। बिल्कुल गलत फरमाया आपने। एक हमारी बहन और बैठी हैं यहाँ पर नीली कमीज में, जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया है। 29 दिन होते हैं। आप कितना पढ़ी हुई हैं? 8वीं क्लास। और अब क्या करती हैं? घर में सिलाई करते हैं। क्यों छोड़ दिया आपने पढ़ाई? घर में प्रॉब्लम थे ना, कुछ घर में कुछ कठिनाई थी उसके कारण। अगर ये कठिनाई ना होती तो आप क्या करते?
आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे पढ़ना चाहती थी और अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दौरान उसकी जो कई स्कीमें हैं उनके साथ आप अभी भी शिक्षा हासिल कर सकती हैं, लेकिन आपने कहा 29 दिन। हाँ जी। और आपको यकीन है ये सही है जी। आप उनसे पूछते हैं। बिल्कुल सही रहा, मुबारक हो आपको और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत पढ़ेंगी आगे। अगला प्रश्न हमारा है टीम यमुना के लिए, आप केवल 10 अंक पीछे हैं गंगा से, डरिएगा मत। आपका अगला प्रश्न ये बताइए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? बीकानेर में, पोखरण में, जैसलमेर में या फिर पाली में? बताइए। पोखरण। आप बोले पोखरण। अगला हमारा सवाल, ये प्रश्न है हमारी टीम गंगा के लिए, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम हमें बताइए, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो या फिर जिसमें मैं माहिर हूं कबड्डी? खो खो। क्या हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल खो खो है? अब देखिए इन्होंने भी कह दिया कि नहीं है। अब देखते हैं यहां पर कौन बताना चाहती है। बहन आप बताना चाहती हैं, बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अभी देखिए खो खो को तो मना कर दिया, अब फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? क्रिकेट के। क्रिकेट आपको अच्छा लगता है? क्रिकेट जी हाँ, देखती हैं टीवी पर कभी कभी? जी हाँ। बहुत खूब, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट और वो बोले। अब देखिए उन्होंने भी आपको गलत बता दिया, अब मुझे लगता है कि एक पुरस्कार मेरे लिए रखना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और बारी है अब हमारी टीम यमुना की, आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? अब हमें यह बताइए कि भारत के कौन से प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? जी उत्तर प्रदेश। किसने बताया आपको? जी सर, उधर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं इसीलिए कह रहे हैं, और आप लोग क्या बोले? बहुत खूब। अब आप स्कोर जरा देखिएगा, गंगा का केवल रह गया है 40, यमुना का हो गया है 50। अगला हमारा सवाल, ये प्रश्न है हमारी टीम गंगा के लिए, किसने कहा था जय जवान जय किसान? स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? सोच के बताइए। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री, और आप क्या बोले? गंगा के पास 50 हैं, यमुना के पास 50 हैं। हमें यह बताइए, हमारे धर्म हिंदू धर्म में यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, इनका वाहन क्या है? बैल, ऊंट, घोड़ा या फिर भैंसा? भैंसा है। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं कि इनको पूरा यकीन है। वो तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कई बार मैंने उनको देखा है भैंसे पर। आप लोग क्या बोले? दोस्तों इस समय जो आप स्कोर देख रहे हैं, अंक जो हैं, गंगा के पास हैं 50, यमुना के पास हैं 60। अब गंगा को मौका दिया जाता है। गंगा 50 नंबर हैं आपके पास, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे आदेश दे सकते हैं कि मैं ये डबल जैकपॉट खोलूं ताकि आपका स्कोर 50 से बढ़ के 100 तक चला जाए, डबल हो जाए। और अगर आपने हमारे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो आपका स्कोर जो है वो 50 ही रहेगा। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हैं, डर नहीं किसी बात का? भूलिएगा मत कि आपने अपना पुरस्कार लेना है डॉक्टर अनिल सफाया से। ये रहा प्रश्न, और ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये तो आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा अनुसार समय जो है शुरू से लेकर आज तक 4 युगों में बटा हुआ है। पहला था सत्ययुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, और चौथा युग जो है उसका नाम हमें बताइएगा। कलयुग। कलयुग।
इन्होंने कहा कलयुग और आप बोले गंगा। आपका स्कोर बढ़ के तो अब हो चुका है 100। यमुना आपका स्कोर है केवल 60। अब आप उसको 120 कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश की जो राजधानी इस समय है दिल्ली, या कुछ लोग उसे नई दिल्ली कहते हैं, देश की राजधानी ये पिछली शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में बनी थी। लेकिन दिल्ली राजधानी से पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों के समय में कौन सी थी, ये आपको हमें बताना है। और मैं आपको 3 शहरों के नाम बता रहा हूं, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। चेन्नई। अगर आप कहते हैं चेन्नई तो हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं? देखिए मुझे भी नहीं मालूम था, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, तो मुझे कैसे मालूम हो। देखिए हमारे भाईजान ने वहां हाथ ऊपर किया, ये जो हमारे भाईजान यहाँ बैठे हैं, ये कलकत्ता। कलकत्ता, आप बोले कलकत्ता और आप लोग क्या बोले? तो देखा आपने कि आप लोग वहीं रह गए जहां पर आप थे, जबकि दूसरी टीम हमारी जो है वो लोग आगे निकल चुके हैं। गंगा जमुना कुछ देर पीछे रह गई है, लेकिन असली विजेता इस प्रतियोगिता के, इस मुकाबले के, इस दोस्ती के, इस मुलाकात के आप सब लोग हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश भारत के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा हथियार विकास के लिए एक ही साधन है, जिसका नाम है साक्षरता। Thank you.